आप सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर शिरीष पाल सिंह और आज हम चर्चा करेंगे शोध प्रस्ताव का लेखन विषय पर यानी कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम किस प्रकार से एक शोध प्रस्ताव का लेखन करते हैं तथा शोध प्रस्ताव के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं यदि हम बात करें शोध प्रस्ताव के प्रकारों की यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के शोध प्रस्ताव होते हैं पहला है अकादमिक उपाधि के लिए शोध प्रस्ताव यानी कि ऐसे शोध प्रस्ताव जो कि हमें किसी अकादमिक उपाधि के लिए जिनका निर्माण हम करते हैं उदाहरण के लिए हम यदि पी एच डी या एम या किसी अन्य उपाधि के पूर्ति के लिए यदि हम कोई शोध प्रस्ताव का कर निर्माण करते हैं तो वह शोध प्रस्ताव अकादमिक उपाधि के लिए शोध प्रस्ताव के अंतर्गत माना जाता है यानी कि रिसर्च प्रपोजल फॉर कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक डिग्री दूसरे प्रकार के शोध प्रस्ताव कौन से हैं जो कि हम वित्तीय सहायता के लिए यानी कि रिसर्च प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जैसे कि आई सी एस एस आर यू जी सी आईसीपीआर, आईसीएचआर IC जो कि शोध करने के लिए आपको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तो ऐसे संस्थानों के लिए बनाए जाने वाले शोध प्रस्ताव दूसरे प्रकार के शोध प्रस्ताव कहलाते हैं वित्तीय सहायता के लिए बनाए जाने वाले शोध प्रस्ताव अब हम दोनों प्रकार के शोध प्रस्ताव में किन किन महत्वपूर्ण पदों को हमें सम्मिलित करना चाहिए तथा उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए इस संबंध में आज जानने का प्रयास करेंगे पहले प्रकार के जो शोध प्रस्ताव हैं जो कि हम अकादमिक उपाधि के लिए बनाते हैं उस शोध प्रस्ताव के प्रमुख पद निम्न प्रकार से हैं कुल मिला के दस पद यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि आवश्यकता अनुसार आप इन पदों को घटा बढ़ा भी सकते हैं कई पद एक दूसरे के साथ मिलकर एक पद बना सकता है एक सौ बना सकता है तो ये हमारी एक सुधारती की इच्छा के अनुसार हम इन पदों को घटा बढ़ा सकते हैं तो पहला जो स्टेप है पहला जो पद है वह है प्रस्तावना दूसरा पद संबंधित साहित्य की समीक्षा तीसरा शोध का औचित्य स्थापन चौथा समस्या कथन फिर उसके पश्चात शोध उद्देश्य अथवा शोध प्रश्नों का लेखन फिर शोध परिकल्पनाओं का निर्माण करना फिर शोध विधि तथा प्रक्रिया की व्याख्या करना फिर जो शब्द हमने शोध प्रस्ताव में प्रयुक्त किए हैं उन प्रयुक्त शब्दों का संक्रियात्मक परिभाषा देना शोध का परिसीमन तथा संदर्भग्रंथ सोची अब हम इन सभी पदों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं पहला जो पद है वह है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन यानी कि जो आप शोध करने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं उस प्रस्ताव की प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन किस प्रकार से लिखना चाहिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम शोध किसी समस्या पर करते हैं वह समस्या गुणात्मक अथवा मात्रात्मक प्रविधि के द्वारा शोध किए जाने लायक होती है तो जैसी हमारी समस्या है उसके अनुसार हम क्या करते हैं हम उस समस्या के संबंध में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या जिसकी हम सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रस्तावना के अंतर्गत लिखने का प्रयास करते हैं हमारा यह प्रयास होना चाहिए जब हम प्रस्तावना लिखें कि हम जो आवश्यक नहीं है उन तथ्यों को वहाँ पर ना रखें कई बार हमने देखा है कि सिर्फ पेज की संख्या या शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें प्रस्तावना में लिख देते हैं हमें पिन पॉइंटेड बातें वहाँ पर लिखनी चाहिए जिस समस्या के बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं उस समस्या के बारे में हम लिखें उस समस्या के संबंधित जितने भी अनुसंधान हुए हैं उनकी फाइंडिंग्स के आधार पर हम अपनी प्रस्तावना को आगे बढ़ाते जाते हैं जिसको हम इंटैक्स साइटेशन का भी नाम देते हैं किसी भी अनावश्यक तथ्य को हम अपनी प्रस्तावना में शामिल ना करके सिर्फ उन अनुसंधानों के आधार पर जो उस अमुक क्षेत्र में हुए हैं उन अनुसंधानों के आधार पर हम उस विषय की पृष्ठभूमि को सामने वालों के सम्मुख प्रस्तुत करें ताकि वह ये समझ पाए कि जिस क्षेत्र में आप अनुसंधान करना चाहते हैं या जिस समस्या पर आप अनुसंधान करना चाहते हैं वह समस्या क्या है तथा वो किस प्रकार से इस परिस्थिति में आई है यानी कि हम नॉन टू अननोन फैक्ट की तरफ चलते हैं यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम चलते हैं यानी कि जो चीज़ें हमें पता है कि ये जो हमने अपनी समस्या ली है यह यह है तथा इस पर ये कार्य हुआ है साथ ही हम ये करना चाहते हैं यानी कि जो हम चाहते हैं वो बाद में आएगा तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम बढ़ते जाएं और साथ ही जो भी हम लिखते जाएं उसका उपयुक्त रिसर्च सपोर्ट यानी कि जितनी भी अनुसंधान हुए हैं उस समस्या से संबंधित उनको भी हम समय समय पर इंटेक्स साइटेशन के रूप में अपनी प्रस्तावना में सम्मिलित करते जाएं। दूसरा जो पद है दूसरा जो सोपान है वह है संबंधित साहित्य की समीक्षा रिव्यूज ऑफ रिलेटेड लिटरेचर अब संबंधित साहित्य की समीक्षा को लिखना आपके शोध प्रस्ताव में आप एक अलग हेडिंग के तहत भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है संबंधित साहित्य की समीक्षा और यदि आप चाहें तो इसे प्रस्तावना का भी भाग बना सकते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर भी हम वस्तुतः जितने भी शोध हुए हैं उनकी समीक्षा करके ही हम उस प्रस्तावना को लिखते हैं उस कंसेप्चुअल या थोटिकल बैकग्राउंड को लिखने के लिए आपको उन अनुसंधानों की आवश्यकता होती है जो उस विषय में ऑलरेडी हो चुके हैं तो जो संबंधित साहित्य हैं हमें शोध प्रस्तावना में बहुत डिटेल में संबंधित साहित्य नहीं लिखना चाहिए हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम कंसाइज फॉर्म में संबंधित साहित्य को लिख दें साथ ही यदि संभव हो तो हम प्रस्तावना में ही उसको लिखते जाएं वह भी एक उपयुक्त तरीका हो सकता है लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमें अलग से संबंधित साहित्य की समीक्षा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं लेकिन यहाँ प्रयास करें जिस प्रकार से हम अपनी थीसिस में बहुत डिटेल में संबंधित साहित्य लिखते हैं वो ना करके हम कुछ आ, जो कंसाइज फॉर्म में जहाँ हम परिणामों को वस्तुता है और उन परिणामों के आधार पर जो हम गैप फाइंडिंग करते हैं उसको यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तीसरा है शोध का औचित्य रेशनल ऑफ रिसर्च जब हम शोध प्रस्ताव लिखते हैं तो कई अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से कहा जाता है कहीं पे कहा जाता है कि शोध का औचित्य लिखिए कहीं कहते हैं कि शोध का महत्व लिखिए कहीं लिखते हैं कि शोध का क्या सार्थकता है यह लिखिए तो इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस और रेशनल ये तीनों शब्द हालांकि एक दूसरे से काफ़ी हद तक संबंधित होते भी हैं लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत रूप से विचार यह है कि हमें शोध का औचित्य लिखना चाहिए रेशनल ऑफ रिसर्च क्यों औचित्य लिखना चाहिए क्योंकि जिस समस्या को आप सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें इस विषय पर अपना शोध कार्य करना है उस समस्या पर शोध करने का क्या औचित्य है यह स्थापित करना बहुत आवश्यक है और जब भी आप शोध का औचित्य लिखें तो जितने भी अनुसंधान कार्य है, हुए हैं उस विषय पर उसके आधार पर ही हमें शोध का उचित लिखना होता है क्यों क्योंकि उन सभी अनुसंधानों को हम कैटेगराइज़ करके विभिन्न वर्गों में विभक्त करके हम मेंशन करते हैं कि इस इस विषय पर तो कार्य हुआ है लेकिन इस विषय पर कार्य नहीं हुआ है या कार्य हुआ है तो इस अमुक चर के साथ इस विषय का संबंध नहीं देखा गया है इसलिए मैं इस विषय पर शोध कार्य करना चाहता हूं। तो औचित्य में आपको यह स्पष्ट करना होता है कि आप क्यों इस कार्य को करना चाहते हैं तथा इस कार्य को करने के पीछे जितने भी रिसर्चेज पहले से हुई हैं उन रिसर्चेज से जो हमें गैप फाइंडिंग हुई है जो हमें एक रिक्तता प्राप्त हुई है उस रिक्तता को भरने का काम हमारा यह अनुसंधान करेगा अगला पद है जब हम शोध का औचित्य लिख देते हैं तब हम जो हमारे शोध की समस्या है उसको हम स्पष्ट रूप से अपने प्रस्ताव में स्थान देते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम यानी कि समस्या कथन अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों के लिए समस्या लिखने का अलग अलग तरीका होता है जैसे यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रभाव की बात करते हैं इफेक्टिवनेस की बात करते हैं यदि हम कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ संबंध की बात करते हैं यदि हम ऐसी सांख्य की विधि यूज उपयोग करेंगे जो कि प्रिडिक्ट करेगी पूर्व कथन करेगी यानी कि रिग्रेशन के रूप में तो वहाँ पर हम पूर्व कथन के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखते हैं या किसी हम दार्शनिक अनुसंधान को करना चाहते हैं तो वहाँ पर फिर समस्या को लिखने का एक अलग तरीका होता है तो जिस प्रकार की शोध विधि का हम उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार हमें समस्या कथन वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखना होता है जितना कंसाइज हो जितना छोटा हो साथ ही जितना अधिकतम बातों को वो सम्मिलित कर पा रहा हो वही एक प्रभावी समस्या कथन होता है समस्या कथन लिखने के पश्चात फिर आता है कि हम शोध प्रश्न या शोध उद्देश्य हम लिखें बहुत सारे लोग दोनों ही चीजें लिखते हैं शोध प्रश्न भी लिखते हैं शोध उद्देश्य भी लिखते हैं दोनों भी लिखा जा सकता है लेकिन ये टेंडेंसी है यदि आप क्वालिटेटिव या गुणात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो आपको शोध प्रश्न लिखे जाना ज़्यादा उचित होते हैं और यदि आप मात्रात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें शोध प्रश्नों के स्थान पर आप शोध उद्देश्य लिखें तो ज़्यादा सही माना जाता है तो इसलिए यदि आप चाहें तो क्योंकि प्रश्नों के आधार पर आप उद्देश्य बना सकते हैं यदि चाहें तो आप अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर शोध उद्देश्य अथवा शोध प्रश्नों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं अगला जो चरण है वह है परिकल्पना का निर्माण शोध परिकल्पना शोध परिकल्पना सिर्फ हम मात्रात्मक अनुसंधानों में ही लिखते हैं हम चाहें तो गुणात्मक अनुसंधानों में अवधारणाएं लिख सकते हैं लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती तो जो यदि मात्रात्मक अनुसंधान आप कर रहे हैं तो आप चाहें तो शोध परिकल्पना आप वहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन यह आवश्यक कई बार नहीं भी होता कि आप शोध प्रस्ताव ने में शोध परिकल्पनाएं दें ये निर्भर करता है यदि आप चाहते हैं तो वहाँ शोध परिकल्पनाएं दे दें तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है गुणात्मक अनुसंधानों में आपको शोध परिकल्पनाएं देने की आवश्यकता नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि वहाँ पर आप उन परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं करते हैं अगला जो पद है वह पद है शोध विधि एवं प्रक्रिया का यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जब आप आ, किसी शोध प्रस्ताव की रचना करते हैं क्यों क्योंकि इसी पद से आपका शोध प्रस्ताव कितना साउंड है कितना इफेक्टिव है ये पता चलता है इसके अंतर्गत कुछ उपपद हैं जैसे शोध उपागम एवं विधि हमें यहाँ स्पष्ट देखना होता है या लिखना होता है कि हम किस उपागम का उपयोग अपने अनुसंधान के लिए कर रहे हैं यदि आप गुणात्मक उपागम का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर उसी के अनुसार आप विधि का चयन करेंगे यदि आप मात्रात्मक उपागम का उपयोग कर रहे हैं तो उसी के अनुसार आप अपनी शोध विधि का चयन करते हैं तो यहाँ पर यह स्पष्ट बताना होता है कि शोध किस शोध उपागम के अनुसार हम इस शोध को आगे बढ़ाएंगे मात्रात्मक अथवा गुणात्मक या फिर हो सकता है मिश्रित विधि है ना जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का हम कॉम्बिनेशन ले चलते हैं फिर आपको स्पष्टता यह बताना होता है कि आपकी जनसंख्या एवं न्याय क्या रहेगा कुछ ऐसे अनुसंधान हैं जहाँ जैसे आधारित अनुसंधान वहाँ पर न्यायदर्श के बारे में पूर्व में स्पष्ट लिख पाना थोड़ा कठिन होता है तो हो सकता है वहाँ पर आप सिर्फ एक एक्सपेक्टेड नंबर लिख दो तो ये भी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं गुणात्मक अनुसंधानों के लिए आपको एक कम छोटे न्यायादर्श से भी काम चल जाता है मात्रात्मक अनुसंधानों के लिए आपको एक ज़्यादा संख्या में न्यायदर्श की आवश्यकता होती है तो दूसरे पद में आप जनसंख्या एवं न्यायदर्श के संबंध में लिखते हैं जनसंख्या आपकी क्या रहेगी आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या रहेगा यानी कि टारगेट पॉपुलेशन आपकी क्या रहेगी आप किस न्यायादर्श विधि का चयन करेंगे है ना? किस प्रकार से न्यायादर्श को आप उस पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करेंगे ठीक है किस नारदस प्रविधि का आप उपयोग करेंगे यह स्पष्टता आपको अपने शोध प्रस्ताव में लिखना होता है फिर हम बात करते हैं शोध उपकरणों की किन उपकरणों का उपयोग आप करेंगे यदि उपकरणों के स्थान पर आप प्रविधियों का उपयोग करना चाहते हैं टेक्निक का उपयोग करना चाहते हैं तो वह भी आपको स्पष्ट बताना होता है कि हम आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से करेंगे किन उपकरणों अथवा तकनीकियों की सहायता से करेंगे क्या उन उपकरणों को आप स्वतः निर्मित करेंगे या आप जो पूर्व में मानकीकृत परीक्षण हैं उनका उपयोग करेंगे तो यह भी आपको अपने शोध प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लिखना होता है फिर आपको यह बताना होता है कि आंकड़ों के संकलन की क्या प्रक्रिया रहेगी प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन किस प्रकार से आप आंकड़ों का संकलन करेंगे क्यों बताना होता है क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि क्या आपकी पहुंच उन आंकड़ों तक हो पाएगी जिन आंकड़ों का संकलन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उस समय हो पाएगी जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उदाहरण के लिए आप एक ट्राइबल विलेज में जाना चाहते हैं वहां पर आंकड़ों का संकलन करना चाहते हैं तो क्या उस अब आंकड़ों के संकलन का आपने प्रस्तावित मंथ दिया है जुलाई अगस्त तो क्या उस क्षेत्र में उस विलेज में जुलाई अगस्त में पहुंचना जहां पर हो सकता है वहां बाढ़ आती हो हो सकता है वहां पर बारिश में जाना संभव ना होता हो तो क्या एक्सेस रहेगी आपकी तो ये आपको स्पष्टता मेंशन करना होता है कि आप किस प्रकार से आंकड़ों का संकलन करेंगे और फिर आपको शोध विधि और प्रक्रिया के अंतर्गत यह भी बताना होता है कि आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करेंगे और यह विश्लेषण जैसे हमने संकलन की बात की तो संकल आंकड़ों का संकलन भी आपको उद्देश्य अनुसार लिख बताना होता है साथ ही आंकड़ों का विश्लेषण भी आपको उद्देश्यों के अनुसार ही बताना होता है कि अमुक उद्देश्य हमारा प्रथम उद्देश्य होगा तो उसके लिए हम आंकड़े ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे हम आंकड़ों का चयन करेंगे प्रथम उद्देश्य के लिए और प्रथम उद्देश्य के लिए हम आंकड़ों का विश्लेषण इस प्रकार से करेंगे यदि आप क्वांटिटेटिव रिसर्चेज कर रहे हैं तो आपको मैं स्पष्ट बताना होगा कि आप इन इन सांख्यिकी विधियों का उपयोग प्रथम उद्देश्य के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए करेंगे यदि आप गुणात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट बताना होगा कि हम जो आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे वो इस प्रकार के कोडिंग प्रोसीजर के तहत करेंगे तो आंकड़ों का विश्लेषण भी आपको स्पष्टतः अपने शोध प्रस्ताव में बताना होता है अगला जो चरण है वह है प्रयुक्त शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषा यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज जो भी प्रमुख शब्द आप अपने शब्द प्रस्ताव में देते हैं या खासकर जो आपकी समस्या में शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को आपको ऑपरेशनली डिफाइन करना होता है जैसे उदाहरण के लिए माध्यमिक स्तर आप मेंशन कर रहे हैं कि हम सेकेंडरी लेवल पर काम करेंगे तो सेकेंडरी लेवल पर आपको यह स्पष्ट बताना होगा कि सेकेंडरी लेवल से आपका क्या मंतव्य है क्योंकि सेकेंडरी लेवल तो क्लास आठ भी हो सकती है नौ भी हो सकती है दस भी हो सकती है तो यहाँ पर मैं मुझे स्पष्ट करना है कि कक्षा माध्यमिक स्तर से मेरा तात्पर्य कक्षा आठ के बच्चों से है आप एटीट्यूड जानना चाहते हैं अभिवृत्ति जानना चाहते हैं तो आपको यह स्पष्टता बताना होता है कि जो आपने शब्द अपने अनुसंधान में उपयोग किए हैं वो उन किन अर्थों में आपने उनको उपयोग किया है किन अर्थों में से में आपने अपने अनुसंधान में उनको लिया है अगला जो चरण है वह है शोध का परिसीमन शोध का परिसीमन भी आपको स्पष्ट बताना होता है हो सकता है धन समय संसाधनों के कारण आप उस रिसर्च को एक बड़े स्तर पर भी कर सकते थे और हो सकता है इन सभी कारणों से आप उसको बड़े स्तर पर ना करके छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो आपको यह स्पष्टतः मेंशन करना होता है कि हम इतने व्यक्तियों को चयन करेंगे हमारा चयन इस आधार पर होगा और हम यहाँ से ही चयन करेंगे परिसीमन में हम खुद ये निर्धारित करते हैं कि हमारे अनुसंधान की यह बाउंड्री होगी हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे तो यह स्पष्टता आपको बताना होता है अपने प्रस्ताव में कि हमारा शोध का जो है परिसीमन यह है अगला पद है संदर्भ ग्रंथ सूची यहां हम अपने विषय में उपयोग किए जा रहे संदर्भ ग्रंथ लेखन के प्रकार के अनुसार सभी संदर्भ ग्रंथों को सूचीबद्ध करते हैं जैसे वर्तमान में एपीए खासकर यदि सोशल साइंसेज की या एजुकेशन की हम बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो सेवन्थ एडिशन है उसके अनुसार संदर्भ ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखने होते हैं कुछ लोग ये करते हैं कि संदर्भ ग्रंथ के साथ साथ बिब्लियोग्राफी भी लिखने के प्रयास करते हैं जब भी आप शोध प्रस्ताव बना रहे हैं तो आपको बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ सूची देने की आवश्यकता नहीं है क्या दोनों में अंतर है अंतर यह है कि जब आप संदर्भ ग्रंथ लिखते हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट वहां पर मेंशन करते हैं जिनको आपने साइट किया हो ऑल द डॉक्यूमेंट साइटेड उनको हम संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत रखते हैं और साथ ही इनको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखते हैं जबकि संदर्भ सूची में हम ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को वहां पर लिख देते हैं जिनको सिर्फ हमने कंसल्ट किया हो और वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो आवश्यक नहीं होता वहाँ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करते तो यदि आप शोध प्रस्ताव बना रहे हैं तो आपको संदर्भ ग्रंथ सूची ही देनी चाहिए जिन पुस्तकों को आपने साइट किया है जिन शोध आलेखों को आपने साइट किया है उन्हीं को आप अपने संदर्भ ग्रंथ सूची में स्पष्टता मेंशन आप उनको करें अब यदि हम बात करें दूसरे प्रकार के शोध प्रस्तावों की जो कि वित्तीय सहायता के लिए जो हम शोध प्रस्ताव बनाते हैं रिसर्च प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें एक इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से या संस्थान के स्तर पर हम कोई अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं तो उस अनुसंधान के लिए यदि आप किसी फंडिंग एजेंसी जैसे कि यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीपीआर आई जैसी बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जो कि आपके व्यक्तिगत या संस्थागत शोध को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं अच्छा उनके लिए जब आप शोध प्रस्ताव बनाते हैं तो जिन सोपानों का उपयोग आपने अकादमिक डिग्री के लिए किया है उन्हीं सोपानों का उपयोग हम वित्तीय सहायता प्राप्त करने के शोध प्रस्ताव में भी करते हैं लेकिन कुछ अतिरिक्त पदों की यहाँ पर आवश्यकता होती है उनको मेंशन करना आवश्यक होता है क्यों क्योंकि उसी के आधार पर वह संस्थान निर्धारित करता है कि आपको वित्तीय सहायता दी जाए या ना दी जाए और दी जाए तो कितनी दी जाए तो ऐसे क्या हैं जो अतिरिक्त पद हैं उसमें पहला है शोध प्रस्ताव में नवीनता इनोवेटिवनेस इन द प्रपोज रिसर्च यानी कि जो प्रस्ताव आपने दिया है वित्तीय सहायता के लिए वह प्रस्ताव किस प्रकार अन्य प्रस्तावों से अलग है किस प्रकार वो उस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों से अपने आप को अलग करता है किस प्रकार से वो नवीन है नया है डिफरेंट है तो यह आपको स्पष्टता लिखना होता है अपने शोध प्रस्ताव में दूसरा है जब भी कोई संस्थान आपको वित्तीय सहायता देता है तो वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आपका जो अनुसंधान हो उसके कुछ अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों ये अपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं ये शोध पत्रों के रूप में हो सकते हैं रिपोर्ट्स के रूप में हो सकते हैं पुस्तकों के रूप में हो सकते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखना होता है मेंशन करना होता है कि जो वित्तीय सहायता हमें इस शोध के लिए मिलेगी उसके अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित रहेंगे फिर तीसरा है नीति निर्माण में इसकी क्या प्रासंगिकता है आपके अनुसंधान की आपके शोध की नीति निर्माण में क्या प्रासंगिकता है यानी कि रेलेवेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग इस प्रकार के अनुसंधानों को वित्तीय सहायता देने के पीछे यही कारण होता है ताकि नीति निर्माण में सहायता ली जा सके यानी कि आपके जो अनुसंधान के परिणाम हो उनको हम जो नीतियां निर्धारित करें नीतियों का निर्माण करें उस निर्माण में हम वहां पर उनकी सहायता ले सकें तो आपके इस अनुसंधान की क्या प्रासंगिकता है नीति निर्माण में क्या रेलेवेंस है यह आपको स्पष्टतः बताना होता है अगला है कि समाज में क्या उपयोगिता है यानी कि रेलेवेंस फॉर सोसाइटी आपने जो अनुसंधान किया या आप जो अनुसंधान के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं वो समाज में कितना उपयोगी रहेगा सोसाइटी के लिए उसमें क्या ऐसा रहेगा कि वो सोसाइटी के काम आएगा ये भी आपको अपने शोध प्रस्ताव में स्पर्श से लिखना होता है और फिर आपको यह भी बताना होता है कि जो शोध प्रस्ताव आप वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका अनुमानित बजट क्या रहेगा यानी कि प्रपोज बजट क्या रहेगा और वो बजट भी हेड वाइज यानी कि रिसर्च स्टाफ के लिए आप कितना बजट चाहते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए कितना बजट चाहते हैं आप ट्रैवल के लिए कितना बजट चाहते हैं आप अन्य स्टेशनरी एवं अन्य कार्यों के लिए कितना बजट चाहते हैं तो वो आपको हेड वाइज मेंशन करना होता है और वह भी आपको जस्टिफिकेशन के साथ मेंशन करना होता है यदि आप कह रहे हैं कि मुझे एक टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो क्यों चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट यदि आपका प्रपोजल में यह स्पष्ट है मेंशन है कि आपको तकनीकी सहायता चाहिएगी आपको कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए तो वह आपको जस्टिफाई करना है और ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका फील्ड क्या है आप कितने क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और वो क्षेत्र आप जहाँ पर निवास करते हैं उससे कितना दूर है और कितनी विजिट की आपको आवश्यकता होगी तो इन सबको आप हेडवाइज जस्टिफाई आपको करना होता है उसी के अनुसार आपको एक अनुमानित बजट आपको स्पष्ट लिखना होता है कि मुझे इस अनुसंधान कार्य के लिए मुझे इतनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम बात करते हैं शोध प्रस्ताव के निर्माण की तो दो प्रकार के शोध प्रस्ताव हो सकते हैं अकादमिक उपाधि के लिए जो हम शोध प्रस्ताव बनाते हैं किसी पीएचडी एमफिल या एमएड की डिग्री के लिए दूसरे जो कि हम वित्तीय सहायता के लिए शोध प्रस्ताव बनाते हैं दोनों प्रकार के शोध प्रस्तावों में जो आधारभूत सोपान हैं वो अधिकतर समान ही होते हैं लेकिन जब वित्तीय सहायता के लिए आप कोई शोध प्रस्ताव बना रहे होते हैं तो उसमें आपको बजट के बारे में समाज में क्या उपयोगिता है नीति निर्माण में क्या उपयोगिता है साथ ही वह आपका जो प्रस्ताव है किस प्रकार से नवीनता लिए हुए है तथा उस प्रस्ताव के आधार पर क्या अपेक्षित परिणाम आप प्राप्त करने वाले हैं ये आपको स्पष्ट वहां पर लिखना होता है इसी आधार पर संभावनाएं वित्तीय सहायता की बढ़ जाती हैं तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि हम शोध प्रस्ताव किस प्रकार से निर्मित करते हैं एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार